देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। कैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो पहले हम बात करते हैं मेटल कंडक्टर की। ठीक है, हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है। हमने अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था। रेजिस्टेंस होता है मास एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है, तो एक मेटल जो होता है, मेटल का वायर होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है एम एल एन ई स्क्वायर टाउ और ए। तो मेनली जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्स रिलेशन रखता है किससे? रिलैक्सेशन टाइम। जैसे ही हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, टेम्परेचर हमने इनक्रीज करना शुरू कर दिया है, इससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेशन करना शुरू करेंगे और ज़्यादा स्पीड से। जैसे ही वाइब्रेशन होगी तो कोलिजन भी बढ़ जाएंगे, और कोलिजन बढ़ जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आमतौर से ज़्यादा कोलिजन होना शुरू हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये होता है मेटल के केस में। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है? एक फॉर्मूला होता है, अगर हमने टी टेम्परेचर रेज किया है जीरो से ऊपर, तो यहाँ पे आएगा आर नोट वन प्लस एल्फा टी। आर नोट जो है वो है रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेल्सियस, या जीरो केल्विन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीरो डिग्री सेल्सियस। एल्फा है यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशेंट, ठीक है, और टी हो गया हमारा राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर हमने राइज किया है। ठीक है, अगर मैं ऐसे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो आर नोट आएगा इस तरफ, तो आर टी माइनस आर नोट डिवाइड बाय आर नोट टी। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा को लिख सकते हैं हम इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस। आर नोट क्या है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस। मल्टीप्लाई राइज इन टेम्परेचर, हम टेम्परेचर कितना राइज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी है, तो इनकी यूनिट कट हो जाएगी, सिर्फ यहाँ पे यूनिट बचेगी टेम्परेचर की। तो अल्फा इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट छोड़ो, मान लेते जो यूनिट होती है अल्फा की वो होती है या तो पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। ठीक है, तो मेटल के केस में अल्फा होता है पॉजिटिव। ठीक है, बात करें नॉन मेटल या सेमीकंडक्टर के लिए, तो इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर, इसके लिए अल्फा की वैल्यू होती है नेगेटिव। इसका मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस कम हो जाता है टेम्परेचर के राइज करने से। ठीक है, अब बात आती है, देखो अल्फा की जो वैल्यू है ये भी नॉट कॉन्स्टेंट, ये भी टेम्परेचर के साथ अपने आप को बदलती रहती है। तो हमको दो टेम्परेचर के बीच में अगर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इस टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस है और अगला जो रेजिस्टेंस है कितना होगा इतने डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो अल्फा को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आर टू माइनस आर वन, आर वन इंटू टी टू माइनस टी वन। ठीक है, तो ये होगा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद टी वन, टी वन पर रेजिस्टेंस कितना था आर वन, टी टू पर रेजिस्टेंस कितना हुआ है आर टू। ठीक है, तो हमको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम अल्फा की वैल्यू, कि इस टेम्परेचर पे अल्फा की वैल्यू कितना है, इस फॉर्मूले में रखें आर टू माइनस आर वन डिवाइड बाई आर वन टी टू माइनस टी वन। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है एम एन ई स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम।
तो रेजिस्टिविटी इनवर्स रिलेशन रखती है एन और टी के साथ, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उससे क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। पहले मान लेते हैं एक एटम फ्री था, एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं, ठीक है, पर जो रिलैक्सेशन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे तो कोलिजन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू ड्रॉप होती है वो एज़ कम्पेयर टू दिस वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर है, ठीक है। तो ओवरऑल जो वैल्यू है इसकी वैल्यू ड्रॉप होती है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, तो ओवरऑल जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज ही होती है, ठीक है। और ये है मेटल के केस में, ठीक है बच्चों। चलो तो ये था हमारा टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होता है किसी रेजिस्टेंस पे, ठीक है। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।